वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? दोस्तों, एक ऐसी मूवी जिसमें किसी एक्टर की लाइफ जर्नी देखने को मिले एंड उसके साथ वो सब कुछ हुआ हो जहाँ से शायद ही कोई वापस बचकर जिंदा आ सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संजू मूवी के बिहाइंड द सीन्स, मेकिंग प्रोसेस और शूटिंग BTS, वो भी कंप्लीट डिटेल के साथ। तो वीडियो को स्किप करे बिना एंड तक देखने पर ही आपको पता चलेगा कि संजू मूवी की शूटिंग कैसे हुई। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी में रणबीर कपूर को संजय दत्त का कैरेक्टर निभाना था, जिसकी वजह से मूवी के मेकर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि रणबीर कपूर को संजय दत्त का लुक कैसे दिया जाए, क्योंकि मूवी में संजय दत्त की पूरी जर्नी को दिखाया गया है जिसमें उनके 6 डिफरेंट लुक देखने को मिलते हैं। साथ ही मूवी में रणबीर को एक 20 साल का लड़का भी लगना था और एक 55 साल का आदमी भी। आपको बता दें, रणबीर कपूर को संजू का लुक नेशनल अवार्ड विनर विक्रम गायकवाड़ सर ने दिया था, जो कि एक प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट है। आप स्क्रीन पर रणबीर कपूर का मेकअप होते हुए देख सकते हैं। मेकअप के टाइम मेकअप आर्टिस्ट के सामने सबसे टफ चैलेंज था रणबीर को संजय दत्त जैसा लुक देना। आपको बता दें, रणबीर कपूर को डेली 6-7 घंटे मेकअप रूम में बैठना पड़ता था, लेकिन फिर भी उसके बाद जब उनका मेकअप खत्म होता था तो रणबीर कपूर का एक डिफरेंट लुक सामने आता था, जिसकी वजह से मेकअप आर्टिस्ट और डायरेक्टर राजकुमार ईरानी दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। एंड एक बार तो डायरेक्टर ईरानी ने हार मानकर मूवी को बनाने का आइडिया ही कैंसिल कर दिया था, लेकिन फिर भी मूवी की टीम ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिश जारी रखी, जिसकी वजह से लास्ट में रणबीर का एक लुक सामने आया जो हूबहू संजय दत्त से मिलता जुलता लुक था। वो लुक था संजय दत्त का जेल से बाहर निकलने वाला लुक, जिसमें वो ब्लू कलर के शर्ट में जेल से बाहर निकलते नजर आए थे। आप स्क्रीन पर संजय दत्त और रणबीर कपूर का जेल से बाहर निकलने वाला वीडियो देख सकते हैं एंड यहाँ आप दोनों के लुक में भी डिफरेंस देख सकते हैं। आपको मूवी में ऐसा लगेगा कि संजू का कैरेक्टर रणबीर से बेटर तो खुद संजय दत्त भी शायद ही निभा सके। दोस्तों, इस मूवी के लिए रणबीर को अपना बॉडी भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ा था, जिसकी वजह से वो जिम में कई घंटों तक एक्सरसाइज भी किया करते थे। उन्होंने जिम में घंटों एक्सरसाइज करी और अपनी डाइट चेंज करी एंड संजय दत्त की तरह आर्म्स एंड चेस्ट दिखाने के लिए खूब हार्ड वर्क किया। आप यहां वीडियो में रणबीर कपूर को एक्सरसाइज करते हुए देख सकते हैं एंड आप देख ही सकते हैं कि संजू मूवी को लेकर रणबीर कपूर कितने ज़्यादा डेडिकेटेड थे, क्योंकि संजय दत्त की बायोग्राफी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट बॉडी बिल्डिंग की जरूरत थी। आप स्क्रीन पर संजय दत्त और रणबीर कपूर का एक्सरसाइज वाला वीडियो देख सकते हैं। संजय दत्त की तरह मस्कुलर लुक में दिखने के लिए रणबीर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, मुन्ना भाई MBBS मूवी संजू के लाइफ का एक अहम हिस्सा है और मूवी में इसके बारे में बात भी करी गई है। स्टार्टिंग टाइम में मेकअप आर्टिस्टों ने रणबीर को जो मुन्ना भाई वाला लुक दिया था वो कुछ खास नहीं लगा, लेकिन ट्राई करते करते मेकअप आर्टिस्टों ने प्रोस्थेटिक मेकअप की हेल्प से रणबीर को AJ मुन्ना भाई बना दिया। आपको बता दें, रणबीर का जो मुन्ना भाई वाला लुक था वो 13 से ज़्यादा लुक्स को रिजेक्ट करने के बाद फाइनल हुआ लुक था। यह मुन्ना भाई का फाइनल लुक टेस्ट था जिसमें रणबीर बिल्कुल संजू लग रहे हैं। इस बिहाइंड द सीन में राजकुमार ईरानी रणबीर को संजू की तरह ट्रेन कर रहे हैं। दोस्तों, मुन्ना भाई MBBS के सभी सीन्स को शूट करने से पहले रणबीर को ग्रीन बैकग्राउंड के सामने शूट करना पड़ता था, जिसको बाद में क्रोमा टेक्निक की हेल्प से संजय दत्त की जगह रिप्लेस कर दिया गया था। आप स्क्रीन पर रणबीर को AJ मुन्ना भाई परफॉर्मेंस करते देख सकते हैं, साथ ही एक साइड संजय दत्त को असली मुन्ना भाई मूवी में देख सकते हैं एंड दोनों की परफॉर्मेंस में डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ आप कॉलेज क्लासरूम में रणबीर कपूर को देख सकते हैं। इस सीन में से संजय दत्त को रिमूव करके उनकी जगह रणबीर को रिप्लेस किया गया था। दोस्तों, आपको वो वाला सीन तो याद ही होगा जब रणबीर कपूर एक अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे ग्रीन बैकग्राउंड की हेल्प से इस वाले सीन को पहले शूट किया गया था, जिसे बाद में एडिटिंग के टाइम स्टेज बना दिया जाता है और वहां पर बैठे लोगों की संख्या को भी बढ़ा दिया जाता है, यानी कि दुगना कर दिया जाता है। दोस्तों, मूवी में एक सीन देखने को मिलता है जहां पर रणबीर को ओल्ड एज में और मोटा दिखाया जाता है। एक्चुअल में इस वाले सीन को शूट करने से पहले एक मोटे इंसान को कैमरे के सामने रख के शूट किया गया था, जिसके ऊपर बाद में रणबीर का फेस लगा दिया जाता है। दोस्तों, ये बिहाइंड द सीन जेल का है जहां पर आप मूवी की टीम को देख सकते हैं।
एंड साथ में रणबीर कपूर को संजय दत्त के ओल्ड अवतार में देख सकते हैं। और ये बिहाइंड द सीन उससे पहले का है जब संजू का दोस्त कमली एयर होस्टेज पिंकी के साथ इंडिया आता है, लेकिन खुद दारू पी के सो जाता है और रणबीर को उसका खाता खोलना पड़ता है। दोस्तों मूवी का सबसे मोटिवेटेड सॉन्ग है कर हर मैदान फतेह। दरअसल इस सॉन्ग को केप टाउन साउथ अफ्रीका में शूट करा गया था। सॉन्ग को एक माउंटेन के ऊपर शूट किया गया था एंड उस माउंटेन के ऊपर तक पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे लगते थे। इस दौरान फिल्म की टीम ने शूटिंग के दौरान यूज होने वाले इक्विपमेंट्स को माउंटेन के ऊपर तक पहुंचाने में बहुत हार्ड वर्क किया था। आपको बता दें संजय दत्त पर बायोपिक बनाने का आइडिया उनकी वाइफ मान्यता दत्त का ही था, और जब उन्होंने राजकुमार ईरानी को संजू के पास्ट के बारे में बताया तो वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाए, जिसके बाद ईरानी ने संजय दत्त से भी उनके पास्ट में हुए इंसिडेंट्स के बारे में सुना तो उनको फिर भी उन पर ट्रस्ट नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने संजय दत्त के पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करी, तब जाकर उनको लड़कियों से लेकर ड्रग्स तक, बावरी मस्जिद से लेकर बम ब्लास्ट तक और इतना ही नहीं अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तक की जानकारी मिली, तब जाकर उन्हें ट्रस्ट हुआ कि संजय दत्त उन्हें सच बोल रहा था। और जिसके बाद उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा के साथ मिलकर संजय दत्त की बायोग्राफी पर काम करना शुरू किया। दोस्तों पहले मेकर संजू के पिता के कैरेक्टर के लिए आमिर खान को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन आमिर खान ने उस टाइम दंगल में पिता का कैरेक्टर निभाया ही था और इसलिए उन्होंने संजू वाले कैरेक्टर में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, जिसके बाद परेश रावल को संजू के पिता सुनील दत्त के रोल के लिए फाइनल किया गया। आपको मूवी में संजू का सच्चा दोस्त कमली तो याद ही होगा। अपने कैरेक्टर का खुलासा करते हुए विक्की कौशल ने कहा था कि उनका यह कैरेक्टर संजय दत्त के 3-4 दोस्तों का मिक्सर कैरेक्टर है, जिन्होंने संजू की हमेशा बुरे टाइम में सहायता करी थी। दोस्तों अनुष्का शर्मा का जो कैरेक्टर था, ऐसा कोई कैरेक्टर संजय दत्त की रियल लाइफ में नहीं था। मेकर्स ने मूवी में यह काल्पनिक कैरेक्टर इसलिए लिया ताकि संजय दत्त की बायोपिक को दिखा सके। आपको मूवी में संजू की गर्लफ्रेंड रूबी तो याद ही होगी। असल में सोनम कपूर का कैरेक्टर टीना मुनीम से इंस्पायर था, जो कि संजय दत्त की एक्स गर्लफ्रेंड थी। आपको बता दें टीना मुनीम ने बाद में मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी से शादी कर ली थी। तो दोस्तों मुझे तो संजू मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं हमारे चैनल पर मूवीज़ का बिहाइंड द एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।